Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की आज पीएम मोदी ने घोषणा कर दी। देश में कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन किसी ने भी किसानों के मर्म को नहीं समझा। वह भी तब जबकि पिछली सरकारों के सामने राष्ट्रीय लोकदल के तत्कालीन मुखिया अजीत सिंह इस मांग को बराबर उठाते रहे हैं। उन्हें संतुष्ट करने के लिए यदाकदा हवाई अड्डे या अन्य किसी संस्था का नाम चौधरी चरण सिंह के नाम पर जरूर कर दिया गया, लेकिन भारत रत्न पर सभी सरकारें चुप्पी साधे रही। अभी हाल ही में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति में खासी दखल देते हुए लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी विजेंद्र सिंह ने इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया था। पश्चिम के कई शहरों में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग करते हुए कई रोड शो किए गए। इसके अलावा मेरठ से दिल्ली किसान घाट तक बड़ा रोड शो करते हुए दिल्ली पर दबाव बनाने का प्रयास किया। आज जैसे ही पीएम मोदी ने चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की, राष्ट्रीय लोकदल के साथ ही लोकदल भी खुशी में झूम उठा। लोकसभा चुनाव में भाजपा संग जाने की अटकलों पर चुप्पी साधे बैठे जयंत चौधरी से जब अब भाजपा के ऑफर के बारे में बात की गई तो बोल पड़े, अब वह किस मुंह से इनकार करें। उधर लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी विजय सिंह ने पीएम मोदी का इसके लिए धन्यवाद देते हुए 18 फरवरी को दिल्ली किसान घाट पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित करने का आह्वान किया है। पहले देखते हैं भारत रत्न की घोषणा के बाद जयंत चौधरी ने क्या कहा। ये बहुत बड़ा दिन है मेरे लिए, भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है, 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है, देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। जो आज तक कोई भी पूर्व की सरकार नहीं कर पाई, वो फैसला बेबाकी से नरेंद्र मोदी जी के विजन से और प्रयासों से और उनके समर्पण भाव के कारण हो पाया, तो मैं फिर कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। जो आज मुख्यधारा में लोग नहीं हैं, उनकी हिम्मत बढ़ाने का फैसला आज भारत सरकार ने लिया है। पूरे देश में सभी चौधरी साहब को मानने वाले लोगों के लिए खुशी के पल हैं। मैं चौधरी अजीत सिंह जी को भी याद करता हूं, ये उनका सपना था, और इसलिए मैं कहता हूं दिल से मोदी जी को विशेष तौर से धन्यवाद और आभार कि आपने आज चौधरी अजीत सिंह जी का अधूरा सपना पूरा किया। उधर बड़े चौधरी को भारत रत्न देने की पुरजोर मांग करने वाले लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी विजेंद्र सिंह ने इस घोषणा से खासे उत्साहित नजर आए। मीडिया को भेजे अपने संदेश में चौधरी विजेंद्र सिंह ने यह कहा है। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देकर किसानों का मान बढ़ा दिया है। ये लोकदल की जीत है, लोकदल के कार्यकर्ताओं की जीत है, देश के किसानों की जीत है। मैं उन सभी कार्यकर्ताओं को, देश के उन किसान भाइयों को जो पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से, नूरपुर मढ़ैया से लेकर दिल्ली तक, बिजनौर से लेकर दिल्ली तक, मेरठ मुजफ्फरनगर सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक, जो सारे लोग, जो सारे किसान भाई इकट्ठा होकर चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस पर जो हम सब लोगों ने प्रण लिया था और सब लोग इकट्ठा होकर किसान घाट पर गए थे, आज हम सब लोगों की जीत हुई। इस जीत के उपलक्ष पर मैं सारे लोकदल के कार्यकर्ताओं, लोकदल में जुड़े हुए सारे किसान भाइयों को बधाई देता हूं, और बधाई के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने किसानों का मान बढ़ाया है, किसानों का सम्मान बढ़ाया है। किसान एकजुट है, जैसा हमने पहले भी कहा है कि लोकदल पार्टी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के आदर्शों पर चल रही है,
और हम उनके आदर्शों को मिटने नहीं देंगे, हम उनके आदर्शों को झुकने नहीं देंगे, उनके आदर्शों को आगे लेके बढ़ेंगे। और उसी उपलक्ष में उनकी इस जीत की खुशी में मैं सारे लोक दल कार्यकर्ताओं की तरफ से, किसान भाइयों की तरफ से ये आगाज करता हूं कि आने वाली 18 तारीख दिन रविवार को पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश से सारे किसान भाई अपने ट्रैक्टर ट्रॉली में, गाड़ियों में इकट्ठा होकर सारे गांवों की मिट्टी लेकर, जैसे हम सब लोग पहले सभी गांवों की मिट्टी और मिठाई लेकर उनके जन्मदिन को किसान घाट पर मनाने गए थे, उसी तरीके से आज फिर उसी को, उसी के सम्मान को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री जी को, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मान दिया है, उसके सम्मान में उस श्रद्धांजलि को, उस सम्मान को उनके चरणों में अर्पित करेंगे। जैसा पूरे लोकदल कार्यकर्ता वचनबद्ध थे, अपनी उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करेंगे और सभी गांवों की मिट्टी और सभी गांवों की मिठाई को लेकर और इस सम्मान को लेकर किसान घाट जाएंगे और सरकार का भी धन्यवाद करेंगे। हम बदले की राजनीति नहीं करते, हम बदलाव की राजनीति करते हैं। जो भी अच्छा कार्य करेगा उसकी पीठ थपथपाई जाएगी, उसका धन्यवाद भी दिया जाएगा। किसान वो सरल नेता है, किसान वो सरल कौम है जो पानी की तरह है, इतना सरल है कि जीवन यापन भी कर देता है और अगर इकट्ठा हो जाए तो चट्टानों को भी हिला सकता है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय लोकदल। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह, अमर रहे, अमर रहे। धन्यवाद। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.com। नमस्कार।